नमस्कार दोस्तों, मैं शशिभूषण प्रसाद स्वागत करता हूं आपको अपने YouTube चैनल एजुकेशन पॉइंट पे। कैसे हैं आप लोग दोस्तों? मैं आशा करता हूं कि आप लोग अच्छे से होंगे और अच्छे से बैठ के घर पे पढ़ाई कर रहे होंगे। और जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हमारा मॉडर्न हिस्ट्री का सीरीज चल रहा है और इसमें हमने अभी तक पुर्तगालियों के बारे में, डचों के बारे में और अंग्रेजों के बारे में आगमन और विस्तार के बारे में पढ़ लिए हैं। आज हमने जो वीडियो स्टार्ट किया है वो फ्रांसीसियों के आगमन और विस्तार के बारे में पढ़ेंगे। तो इसको हम एक्चुअली दो भागों में बांट के पढ़ेंगे। एक तो पहले फ्रांसीसी कंपनी का स्थापना कैसा हुआ और उसका आगमन भारत में कैसे हुआ, और जब आगमन हो गया तो किस तरह से वो अपना कंपनी को पूरे भारत में फैलाया, कंपनी को फैलाने के बाद अपने व्यापार को कैसे फैलाया, और उसके बाद हम देखेंगे कि फ्रांस और अंग्रेजों के बीच में सर्वोच्चता के लिए जो युद्ध हुआ है उसके लिए तीन कार्नेटिक युद्ध जो लड़े गए उसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तो इसको हम दो पार्टों में बांट के पढ़ेंगे। तो फर्स्ट पार्ट में आज हम पढ़ेंगे कि फ्रांसीसी कंपनी की स्थापना कैसे हुई और भारत में उस कंपनी का विस्तार कैसे हुआ। ठीक है दोस्तों, तो चलिए पढ़ाई को स्टार्ट करते हैं। पढ़ाई को स्टार्ट करने के लिए हमने यहाँ पे थोड़ा सा साउथ इंडिया का मैप बना रखा है। उस मैप में मैंने कुछ लोकेशन को यहाँ पे शो किया है जिसको जानना जरूरी है, क्योंकि अगर हमको ये समझना है तो लोकेशन को जानना जरूरी है कि किस लोकेशन पे कौन कौन सी घटनाएं हुई। तो लोकेशन को चूंकि हमको जानना जरूरी है तो हमने आज के भारत का एक्चुअली ये मैप ड्रॉ किया है, लेकिन हम उसको प्रीवियस जो 1664 में फ्रांस ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी उससे भी जोड़ के देखेंगे कि उस समय भारत का ये भारत का मैप कैसा था और ये किस तरह की स्थिति में थी, ये लोकेशन कहाँ कहाँ पे थे, तो वो भी हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे। फिलहाल हमने यहाँ पे जो बांटा है वो आप देख सकते हैं और आप लोग सब जानते भी होंगे कि ये साउथ इंडिया का क्षेत्र है जिसमें ये केरल का क्षेत्र है, तमिलनाडु का क्षेत्र है, ये कर्नाटक राज्य है, ये तेलंगाना स्टेट है, ये आंध्र प्रदेश है, ये महाराष्ट्र है, ये ऊपर में गुजरात है और यहाँ पे वेस्ट बंगाल का क्षेत्र पड़ता है। ये सबसे जो एंड पॉइंट पड़ता है तमिलनाडु में वो पड़ता है यहाँ पे कन्याकुमारी का क्षेत्र। उसके इधर केरल का जो क्षेत्र है वो माहे का क्षेत्र है। ये मेन मेन जगह को शो किया है ताकि जो यहाँ पे हमें पढ़ने में काम आ सके। उसके बाद तमिलनाडु में देखिए यहाँ पे जो जगह है वहां पे एक जगह यहाँ पे है वालीकोंडापुरम, इसके नीचे यहाँ पे है तंजौर, इसके यहाँ पे है त्रिचिनापल्ली, इसके बाद यहाँ पे पौंडीचेरी जो यूनियन टेरेटरी है ये पौंडीचेरी है और पौंडीचेरी के अंदर ही ये कारिकल है जो पौंडीचेरी का डिस्ट्रिक्ट है, यहीं पर पौंडीचेरी पड़ता है। चेन्नई में ही आता है ये चेन्नई, तमिलनाडु में ही आता है ये चेन्नई का क्षेत्र, और चेन्नई से नीचे अडियार नदी एक बहती है, चेन्नई से नीचे अडियार नदी के तट पे है एक सेंट थॉम करके जगह, और यहाँ पे चेन्नई से थोड़ा सा इधर साउथ की तरफ आएंगे तो एक वेल्लोर की तरह वेल्लोर जगह है। ठीक है दोस्तों, फिर ऊपर चलेंगे तो आंध्र प्रदेश है, आंध्र प्रदेश में ये कृष्णा नदी मुहाना है, कृष्णा नदी के मुहाने से लेकर के और कन्याकुमारी तट वाले जो पूर्वी तट है उसको हम लोग कोरमंडल तट के नाम से जानते हैं, और यहाँ पे कृष्णा नदी के जस्ट ऊपर में है मसूलीपट्टनम और जिसको मछलीपट्टनम भी कहते हैं। तेलंगाना, आज के तेलंगाना में जो गोलकुंडा का क्षेत्र उस समय था वो गोलकुंडा का क्षेत्र आज के तेलंगाना में पड़ता है। ठीक है दोस्तों, और एक चंद्रनगर है जो वेस्ट कलकत्ता के पास में है जो वेस्ट बंगाल में पड़ता है। तो ये सारे डिस्कस हम लोग करेंगे इसमें, इसीलिए मैंने इस लोकेशन को पहले आपको समझा दिया। अब चलिए स्टार्ट करते हैं कि फ्रांसीसी कंपनी का निर्माण कैसे हुआ और कैसे वो भारत में पहुंचे। तो इसको मैंने पॉइंट वाइज लिखा है, आप इसको पॉइंट वाइज नोट करते चलिएगा ताकि आपका एक नोट्स भी तैयार हो और आप वीडियो को शुरू से लास्ट तक देखिएगा, क्योंकि लास्ट में आपको पता है कि मैं एक क्वेश्चन दूंगा और उसका आपको जवाब कमेंट बॉक्स में आप दे सकते हैं उसको। ठीक है दोस्तों, तो चलिए पॉइंट वाइज देखते हैं कि कैसे स्थापना हुई थी। तो लुई 14वें के शासनकाल में फ्रांस उसके एक मंत्री कॉलबर्ट द्वारा 1664 ईस्वी में द कंपिजिनी देश इंडेस ओरिएंटल की स्थापना हुई। उस समय 1664 ईस्वी में लुई 14वें का शासनकाल था फ्रांस में और उसके एक मंत्री के द्वारा फ्रेंच ईस्ट इंडिया की कंपनी का स्थापना हुआ था जिसको उस समय में द कंपिजिनी देश इंडेस ओरिएंटल के नाम से वह स्थापना हुई थी। वही कंपनी बाद में जाकर के जो भारत में आ गई, तो भारत में या ये ईस्ट इंडिया के क्षेत्रों में आई तो वो फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी के नाम से विख्यात हो गई। 1667 ईस्वी में फ्रांसीसी एक गवर्नर आप कह सकते हैं कि फ्रांसीसी एक आदमी केरोन था, उसकी अध्यक्षता में एक अभियान दल भारत पहुंचा।
1664 में बनने के बाद 1667 में क्या हुआ कि केरोन की अध्यक्षता में एक अभियान दल भारत पहुंचा, क्योंकि पुर्तगालियों, डचों और अंग्रेजों को मुनाफा कमाते हुए देखते हुए ये लोग भी सोचे कि क्यों ना हम भी हिंद महासागर के क्षेत्र में जाकर के व्यापार करें और मुनाफा कमाए। ठीक है दोस्तों, तो इसके लिए वो केरोन की अध्यक्षता में एक दल भारत पहुंच गया। 1668 ईस्वी में इसने सूरत में अपना पहला फैक्ट्री खोल लिया। पहला कारखाना कहाँ पे खोला? सूरत में। सूरत गुजरात की इस पॉइंट पे स्थित है, मैंने यहाँ पे आपको डिनोट कर दिया है। 1669 में मसूलीपट्टनम में उसने दूसरा कारखाना खोला, जिस अब ये जो मसूलीपट्टनम देखिए मैंने यहाँ पे शो किया है, दूसरा कारखाना इसने मसूलीपट्टनम में 1669 ईस्वी में खोल लिया। 1668 में सूरत में खुला था, 1669 मसूलीपट्टनम में खुला, और दोनों कारखाने का, सूरत और मसूलीपट्टनम के कारखाने का उत्तरदायित्व एक बहुत ही सजग और बुद्धिमान और दूरदर्शी व्यक्ति जो था फ्रांसिस्को मार्टिन, उसको सौंप दिया गया फ्रांस की तरफ से। और उस समय केरोन जो था वो भारत में गवर्नर बन गया था, और ये दोनों कंपनी का उत्तरदायित्व किसको सौंप दिया था दोस्तों? फ्रांसिस्को मार्टिन को सौंप दिया था। फिर 1672 में एडमिरल डे, फ्रांसीसी आर्मी का सदस्य था, एडमिरल डे ने गोलकुंडा के सुल्तान से सेंट थॉम छीन लिया। अब ये गोलकुंडा जगह जो यहाँ पे देख रहे हैं दोस्तों, उस समय में बहमनी साम्राज्य के अंतर्गत आता था, और उसी के अंदर में सेंट थॉम जगह यहाँ पे पड़ता है। सेंट थॉम जगह जो गोलकुंडा के अंदर में आता था, उसको एडमिरल डे ने गोलकुंडा के शासक से छीन लिया। ठीक है, तो सेंट थॉम पे उसने कब्जा कर लिया। अब 1673 ईस्वी में क्या हुआ कि फ्रांसिस्को मार्टिन वालीकोंडापुरम कहाँ पे है दोस्तों? अभी के समय में तमिलनाडु के यहाँ पे है। अब देखिए यहाँ पे तो वालीकोंडापुरम का जो शासक था यहाँ पे शेर खान लोधी, क्या था? शेर खान लोधी के अंदर में ये पौंडीचेरी या उस समय पुदुचेरी के नाम से भी क्या था, पुदुचेरी क्षेत्र उसने प्राप्त कर लिया। पुदुचेरी को उसने प्राप्त कर लिया और उसको विकसित करने लग गया अपने शहर, वो पुदुचेरी को विकसित करके और पौंडीचेरी के रूप में उसको नाम दे दिया और उसको विकसित किया, और वो उसको अपना मुख्यालय बना लिया, जो कि 1954 ईस्वी तक फ्रांस का मुख्यालय पौंडीचेरी में रहा। और आज की बात करें तो ये पौंडीचेरी का ये जो डिस्ट्रिक्ट है कैरिकल, एक पौंडीचेरी कैरिकल माहे और यहाँ पर एक जनम डिस्ट्रिक्ट या एपी आंध्र प्रदेश में पड़ता है, तो ये चार अलग अलग जगह पे पौंडीचेरी जो यूनियन टेरिटरी है उसका डिस्ट्रिक्ट पड़ता है। तो उस समय क्या किया कि जो 1673 में फ्रांसिस्को मार्टिन वालीकोंडापुरम के शासक शेर खान लोधी से पुदुचेरी प्राप्त किया, जो 1954 तक इसका मुख्यालय बना रहा। ठीक है दोस्तों, 1673 और 74 नेक्स्ट पॉइंट आप अगर देखते हैं तो 1673 और 74 में चंद्रनगर कलकत्ता में भी फ्रांसीसी बस्ती का स्थापना कर लिया। यहाँ पे जो कोलकाता में उस समय एक मुगल सूबेदार रहता था शाहिस्ता खान, शाहिस्ता खान के परमिशन से फ्रांसीसियों ने क्या किया कि चंद्रनगर में अपना एक फ्रांसीसी बस्ती बसा लिया, और फ्रांसीसी बस्ती बसा लिया उसके इसी क्रम में उसने माहे पे, कारीकल पे अपना कब्जा जमा दिया। अगर उस समय की बात करें तो जो हमें यहाँ पे कर्नाटक का क्षेत्र मैं आपको शो कर रहा हूँ रेड पेन से, वो आपको देख लीजिए कि ये आज का भारत है, और आज के भारत के हिसाब से नहीं, अगर हम 1664 और 67 की बात करें तो इस तरह से कुछ क्षेत्र पड़ता था कर्नाटक, जो मैं डॉट डॉट करके बना रहा हूँ। ये पूरा क्षेत्र ऐसे जो है ऐसे एपी, ये पूरा क्षेत्र यहाँ पे पड़ता था, ये पूरा एक क्षेत्र यहाँ पड़ता था, ये पूरा ऐसे एक कर्नाटक कार्नेटिक रीजन पड़ता था जिसको कर्नाटक का राज्य कहता था, और केरल अभी जहां पे है उस क्षेत्र में त्रावणकोर पड़ता था, त्रावणकोर का क्षेत्र था, वो अलग शासक था, और बाकी ये क्षेत्र जो था ये पूरा कर्नाटक के अंदर में आता था, जिसमें चेन्नई मद्रास जिसको आप कह सकते हैं, पौंडीचेरी जिसको आप कह सकते हैं, वो सारा कार्नेटिक रीजन के ही अंदर में आते थे, एक ही शासक के अंदर में आते थे। उसके ऊपर में कौन था, जो हैदराबाद था, इसके ऊपर में थोड़ा जगह, इतना जगह में हैदराबाद था जहां पे निजाम शासक करते थे, और उसके ऊपर में महाराष्ट्र था जहां पे मराठों का शासन चलता था। तो आप ये देख सकते हैं कि कर्नाटक के ऊपर में कौन था, निजाम था इस क्षेत्र में, जिसको अभी तेलंगाना या हैदराबाद आप देखते हैं, तो वो उस क्षेत्र में तेलंगाना क्षेत्र में निजाम का शासक था, और उसके ऊपर में मराठों का शासक था। तो उस समय की स्थिति ये थी
कर्नाटक रीजन की। आप इस मैप को दोस्तों नोट कर लीजिएगा और पॉइंट वाइज कर लीजिएगा, क्योंकि इससे आगे जो भी मैं बताऊंगा या नेक्स्ट वीडियो में भी जो बताऊंगा तो उससे रिलेटेड बहुत कुछ आपको समझ में आएगा। इसीलिए मैंने इस डायग्राम को ड्रॉ किया है, आप इसको निश्चित रूप से ड्रॉ कर लें और पॉइंट वाइज जो भी जगह जहां पे है उसको या तो वर्ल्ड के भारत के मैप में आप देख ले उसको, और या नहीं तो ये डायग्राम में आप इसको नोट करके रख ले ताकि आपको आगे आने वाली जो भी वीडियो होगा फ्रांस से रिलेटेड या आगे जो भी मैं बताऊंगा इसमें आपको हेल्प मिलेगी। तो ठीक है दोस्तों, उसके बाद देखते हैं चंद्रनगर पे, कलकत्ता चंद्रनगर पे जो अधिक बस्ती बसाने के बाद नेक्स्ट कहाँ पे कंपनी बसाई उसको देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट पॉइंट जो है उसमें 1693 में डचों ने पौंडीचेरी को छीन लिया, पर 1697 में रेजी की संधि जो यूरोप में हुई उस संधि के होने से फिर से पौंडीचेरी फ्रांस को डचों ने वापस लौटा दिया। इसी क्रम में क्या हुआ कि 1690 ईस्वी में मुगल गवर्नर के फरमान से चंद्रनगर में फ्रांसीसी कंपनी स्थापित कर ली। 1673-74 में उसने अपनी बस्ती बसाई थी चंद्रनगर में, और 1690 में उसने अपने यहाँ पे कंपनी का निर्माण कर लिया फ्रांसीसियों ने। लेकिन इतने सारे होने के बाद भी फ्रांसीसी कंपनी ज्यादा प्रोग्रेस नहीं कर पा रही थी। इसका कारण ये था कि फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी वो पूरी तरह राजाधीन कंपनी थी, एक सरकारी कंपनी थी, और उसका कंपनी का प्रचार और प्रसार जो भी था वो पूरा फ्रांस के विदेश नीति पे पूरी तरह से निर्भर था। ठीक है, तो यही मैंने यहाँ पे लिखा है कि फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी पूरी तरह एक राजाधीन कंपनी थी और फ्रांसीसी शक्ति का विस्तार फ्रांस के विदेश नीति से बहुत प्रभावित था। उसके अलावे अंग्रेजों की तुलना में पूंजी और संगठन का अभाव था। अंग्रेज की तुलना में इस कंपनी के पास कम पूंजी भी कम थी और संगठन मतलब आदमियों की संख्या या उसकी एम्प्लॉय की संख्या भी जल शक्ति भी उसके अंग्रेजों से कम थी। 1672 और 73 तक फ्रांस जो था हमेशा यूरोपीय देशों के साथ युद्ध में व्यस्त रहा, जैसे कि हॉलैंड के साथ, स्पेन के साथ। हमेशा फ्रांस अपनी वर्चस्वता के लिए या यूरोप के देश एक दूसरे में वर्चस्वता स्थापित करने के लिए हमेशा एक दूसरे में बिजी रहे हैं। लेकिन ब्रिटेन चूंकि एक अलग द्वीप है, अलग हटके है, तो वो इस दुविधा से बच के रहे और वो उसको ज्यादा युद्ध का सामना नहीं करना पड़ा, जिसके कारण से जो 1672 और 1713 के बीच में फ्रांसीसी जो हमेशा यूरोपीय देशों के साथ युद्ध में बिजी रहा उससे क्या हुआ कि भारत में फ्रांसीसी कंपनी का जो प्रभाव था उसमें काफी ज्यादा ह्रास हुआ, उसके व्यापार में काफी ज्यादा नुकसान हुआ, और 1706 से 1720 तक जाकर के ये कंपनी हालत इतना खराब हो गया कि सूरत और मसूलीपट्टनम जैसे कारखानों में तत्काल काम उसको बंद करना पड़ गया। ठीक है, ये चीज को देखते हुए फ्रांस सरकार ने फिर से 1720 ईस्वी में फ्रांस की कंपनी का पुनर्गठन का निर्णय किया। ठीक है दोस्तों, तो अब नेक्स्ट हेडिंग आप डालिए कि फ्रांसीसी कंपनियों का पुनर्गठन जो 1720 में हुआ। तो फ्रांसीसी कंपनी के पुनर्गठन की बात करें तो फ्रांसीसी का कंपनी का पुनर्गठन 1720 ईस्वी में हुआ। उसमें क्या हुआ कि इस कंपनी को परपेचुअल कंपनी ऑफ इंडिया के तौर पे स्वीकृति मिल गई, मतलब ये कंपनी को फ्रांस सरकार के द्वारा इंडिया में एक स्थायी कंपनी का दर्जा दे दिया गया। उसके बाद 1720 से 1742 तक कंपनी का शासन लेनियर और ड्यूमास जैसे कूटनीतिक पूर्ण शासक के हाथ में रहा, जिससे कि क्या हुआ कि फ्रांसीसी सत्ता जो है वो पुनः प्राप्ति कर ली उसने। जो लीनियर और डुमास था बहुत ही कूटनीतिक पूर्ण शासक था, वो बहुत ही दूरदर्शी शासक था और वो अपनी सत्ता को फिर से प्राप्त करने में जुट गए। तो वही लिखा मैंने कि 1720 से 1742 तक कंपनी का शासन लेनियर और डुमास जैसे कूटनीतिक पूर्ण शासक के हाथ में रहा, जिससे फ्रांसीसी सत्ता की पुनः प्राप्ति हुई। ठीक है, 1721 में मॉरिशस पे कब्जा कर लिया। अब मॉरिशस कहाँ है दोस्तों, तो ये हिंद महासागर के क्षेत्र में, अरब सागर के क्षेत्र में यहाँ पे एक जगह है मॉरिशस। मॉरिशस जिसका जो राजधानी पोर्ट रुइस है, तो मॉरिशस पे उन्होंने 1721 में फ्रांसीसियों ने कब्जा कर लिया। उसके बाद क्या हुआ कि 1739 में कैरिकल पर भी उसने कब्जा कर लिया। तो इस तरह से 1720 से लेकर 1742 तक उन्होंने अपने सत्ता को विस्तार करते चला गया और व्यापारी केंद्र को बढ़ाते चले गए, अपने व्यापारी गतिविधियों को बढ़ाते चले गए। फिर 1742 ईस्वी में जो सबसे महत्वपूर्ण घटना हुई वो है कि 1742 में डुप्ले फ्रांसीसी गवर्नर बन गया है। कौन बन गया है दोस्तों? डुप्ले। और 1742 तक जहां फ्रांसीसियों का जो मुख्य ध्यान था
व्यापार पे केंद्रित था, भारत में व्यापार कैसे किया जाए उस पर केंद्रित था, वहां पे मुनाफा कैसे कमाया जाए उस पर केंद्रित था। लेकिन जब सद्युपले फ्रांसीसी गवर्नर बन के आए तो उसका जो नीति भारत में रहा वो साम्राज्य विस्तार का भी रहा और व्यापार के साथ साथ वो साम्राज्य विस्तार भी किया, जिसके कारण से फ्रांस को और अंग्रेज के साथ सर्वोच्चता की लड़ाई लड़नी पड़ी और जिसके लिए 3 कर्नाटिक वार हुए। ये कर्नाटिक के रीजन जो मैंने पहले बताया था कि ये रीजन जो है पूरा कर्नाटिक रीजन था, इसी कर्नाटक के रीजन में 3 युद्ध लड़े गए और तीनों युद्ध के अंत में विजय अंग्रेजों की हुई और ये साबित हो गया कि आने वाला समय अंग्रेज का है। और यही कर्नाटक के तृतीय युद्ध में फ्रांस का जो हार हुई जो कि फ्रांस के पतन का कारण बन गया। ठीक है दोस्तों, तो कर्नाटक का जो तीनों युद्ध है हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। आज के वीडियो में हमने देखा कि फ्रांस की कंपनी की स्थापना कैसे हुई और वो भारत में कैसे आगमन हुआ और उसका थोड़ा बहुत विस्तार कैसे हुआ। ठीक है दोस्तों, तो यह वीडियो आपको कैसे लगा हमारे कमेंट बॉक्स में आप जरूर लिखिएगा और अगर वीडियो आपको पसंद आया हो तो आप वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और दोस्तों को अपने दोस्तों को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। ठीक है दोस्तों, और आज की वीडियो से रिलेटेड एक प्रश्न दे रहा हूँ मैं, उसका जवाब आप हमारे कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। ठीक है, आज का जो प्रश्न है कि फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी की संस्थापित हुई थी लुई 14वें के शासनकाल में, लुई 13वें के शासनकाल में, लुई 15वें के शासनकाल में, डी ऑप्शन लुई 16वें के शासनकाल में। इसका आंसर आप हमारे कमेंट सेक्शन में आप दे सकते हैं और तब तक आप अपना ख्याल रखिए और पढ़ाई अच्छे से करते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बाय बाय दोस्तों।